एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था सर्व शिक्षा अभियान का, तो उसके अंडर हम आज टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान का फेज टू माना जाता था। कि जो सर्व शिक्षा अभियान में बात कही गई थी कि हमने जो एजुकेशन है वो हर एक पर्सन तक पहुंचानी है, हर एक बच्चे को हमने जो कंपलसरी एजुकेशन है, एटलीस्ट प्राइमरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या फिर किसी कारणवश उन्होंने स्कूल में जो अपना एडमिशन नहीं करवाया, तो ऐसे बच्चों को भी हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित करेंगे, उनको डिफरेंट टाइप के सेंटर्स या फिर स्कूल्स में एडमिशन दिलवाकर हम उन बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आगे उन्होंने जो RMFA फेज टू इसका बनाया था, हम उसकी बात करेंगे इस लेक्चर में कि वो जो फेज टू बनाने की जरूरत थी वो क्यों पड़ी। सर्व शिक्षा अभियान में जब ये बात की गई थी कि हम एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे, खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन का, फिर उसके बाद इसका जो सेकंड फेस बनाया गया जो हम बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वो अभियान किस लिए चलाया गया था, उसके जो कारण थे वो कौन कौन से कारण यहाँ पे बताए गए हैं, तो इसकी आवश्यकता के बारे में, इसकी नीड थी जो, उसके बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें कि जो विद्यालय में ठहराव में जो सफलता मिली थी वो सर्व शिक्षा अभियान के दौरान मिली थी, बच्चों का एनरोलमेंट तो हो जाता था लेकिन वो रिटेंशन नहीं आ रही थी, बच्चे स्कूल में ठहर नहीं रहे थे, उसको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरा किया गया कि अगर बच्चे एनरोल हो रहे हैं तो उसको स्कूल में जो प्रॉपर उसकी स्टडी है वो भी कंप्लीट होगी। इस प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए NUEPA नीपिया में 2006 में इस योजना पर विचार किया, योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय पर एक रूपरेखा बनाई गई, इसको दिनांक 12/11/2009 को प्रोजेक्ट बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान में इसको जो स्वीकृति थी वो प्रदान की। अब हम बात करेंगे इसके नीड की, कि इसकी जो क्या क्या कारण थे या फिर क्या इसकी आवश्यकता थी जो फेज टू बनाना पड़ा, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था वो चलाना पड़ा वहां पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि इसका जो बच्चे को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना स्कूल में, इसकी नीड की बात करेंगे हम कि जो इसका फेज टू था जो सर्व शिक्षा अभियान के आगे RMFA के नाम से जाना जाता है, तो इसकी जो आवश्यकता थी वो किस कारणों से हुई, नीड की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना। अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना, अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने का क्या मतलब था कि जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनकी प्राइमरी जो एजुकेशन, जो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है उसमें उसकी 100% एनरोलमेंट होनी चाहिए, घर घर जाकर जो बच्चों के माता पिता हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन है उसकी एजुकेशन के लिए उनको बच्चों का जो स्कूल में एनरोलमेंट करवाना जरूरी है, उसका जो प्रवेश है वो किन कारणों से नहीं हो रहा, उन कारणों और समस्याओं को खोजकर उनका जो निदान है वो किया जाए, इसलिए जो फेज टू के बारे में जो फेज टू को प्लान किया गया था कि आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से जो एडमिशन है वो बच्चों का होना चाहिए, ताकि कोई भी जो बच्चा है वो विद्यालय ना छोड़े या फिर विद्यालय में वो आए। आगे हम बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी थे जो माध्यमिक शिक्षा जो कंप्लीट होनी थी उनकी उससे पूर्व ही जो विद्यालय छोड़ देते थे, उसका कारण क्या था, जो बहुत ज्यादा कारण सामने आ रहा था वो था कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लेके जाते थे, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को भी साथ में काम करवाते थे, जिसका रीजन था कि वो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, ना तो माता पिता उनको स्कूल जाने के लिए कहते थे ना बच्चे खुद इंटरेस्ट था वो स्कूल था उनका स्कूल जाने का इंटरेस्ट। तो बच्चों की इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तो उनका जो समस्या का समाधान करना था वो इस फेज टू में जिक्र किया गया कि बच्चों को
उनकी समस्याओं जो पैसे के रिगार्डिंग थी, तो बच्चों की जो फीस के लिए पैसे नहीं थे उसमें उसको फ्री एजुकेशन दी, साथ साथ उसको जो फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री बुक्स है, तो बहुत सारी ऐसी जो जरूरतें थी बच्चों की, तो वो स्कूल द्वारा या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा पूरी की जाने लगी, की जाने की बात कही, ताकि जो बच्चे हैं वो अगर एनरोलमेंट कर ले रहे हैं तो वो स्कूल में वहां पे प्रॉपर अपनी स्टडी कंप्लीट भी करें, उनका जो एनरोलमेंट है वो सिर्फ जो रजिस्टर में नाम लिखने तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चे की जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा भी वहां पे वो पूरी कर सके। आगे हम बात करते हैं, जो उसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, माध्यमिक शिक्षा शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को प्रोत्साहित करना और साथ साथ उसके माता पिता को भी प्रोत्साहित करना, तो उनके लिए वहां पे इंसेंटिव वगैरह, उनको फ्री एजुकेशन की बुक्स वगैरह की सारी व्यवस्था करनी, और साथ ही साथ कि जो उच्च विद्यालय और जो उच्चतर विद्यालय है तो उनकी दूरी 5 और 7 किलोमीटर की तय करना। अगर कोई छोटा गांव है वहां पे वो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना सकते, तो एटलीस्ट उनकी 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल होना जरूरी है, ताकि बच्चे अपनी फर्दर जो आगे की एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। आगे हम बात करते हैं योग्य अध्यापकों की नियुक्ति। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स की बात करेंगे। हमने बात की कि बच्चों को एक क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, हर एक बच्चे की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है, तो हमें क्या करना है, टीचर अपॉइंट करने से पहले हमें क्या करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको जो प्रशिक्षण देकर एक क्वालिटी की जो एजुकेशन कैसे प्रदान करनी है, तो टीचर्स को इस बात की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार एक अच्छे योग्य टीचर है वो तैयार किए जाने बहुत जरूरी थे, और उनका जो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात है, जो रेशियो है उनका, वो भी वहां पे बहुत मायने रखता था। जो टीचर और स्टूडेंट का, जो अगर हम मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करें, तो एक टीचर के लिए मैक्सिमम 40 स्टूडेंट की बात की गई और मिनिमम 25 स्टूडेंट की, इनका अनुपात की। एक टीचर मैक्सिमम 40 बच्चों की क्लास ले सकता है, अगर मिनिमम बात करें तो मिनिमम कम से कम 25 बच्चे वो क्लास में अपनी में उसके होने चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये रेशो रखा गया था 140 और 125 का। तो इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन प्रदान कर सके, और एक क्वालिटी के जो टीचर है वहां पे अपॉइंटमेंट की जानी बहुत जरूरी थी, जो इसके RMSA जो इसका सर्व शिक्षा का फेज नंबर 2 था उसमें बात कहेगी। आगे हम बात करते हैं महिला विद्यालय की, विमेन स्कूल की। अक्सर ये देखा गया कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को कोविड में नहीं पढ़ाना चाहते, वो अपनी लड़कियों को गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए RMSA फेस नंबर 2 में अलग से महिला विद्यालय बनाने की बात पर जो जोर दिया गया, इस बात को खासा उकेरा गया कि हम जो महिला महाविद्यालय है या महिला विद्यालय है उसकी स्थापना होनी भी जरूरी है, और महिला विद्यालय होने के साथ साथ वहां पे जो टीचर अपॉइंट किए जाएंगे वो भी मोस्टली क्या, विमेन टीचर को वहां पे अपॉइंटमेंट किया गया, ताकि हर एक पेरेंट्स जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा लेने के लिए स्कूल में भेज सके। आगे हम बात करते हैं सेवारत काल प्रशिक्षण, सेवारत काल प्रशिक्षण। इसमें क्या था कि इन सर्विस ट्रेनिंग सेवारत अध्यापक अध्यापकों को नई तकनीक, जो शैक्षिक तकनीकें थी, सहायक सामग्री, नया जो पाठ्यक्रम, हर मतलब टाइम टाइम पर जो करिकुलम में चेंजेस होते हैं उस करिकुलम की नॉलेज और उसका प्रशिक्षण देकर उनमें एक नई उमंग भर सकते थे, जो उनको एक और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग प्रदान कर सकते थे, ताकि वो एक क्वालिटेटिव जो एजुकेशन अपने बच्चों को प्रदान कर सके। आगे हम बात करते हैं ओपन स्कूल की,
जिसको हम मुक्त विद्यालय बोलते हैं। मुक्त विद्यालय का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि जो लोग काम धंधे पर जाते हैं, जो लोग अपने किसी रोजगार करते हैं या रोजगार से संबंधित जो लोग हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रेगुलर स्टडी कर सके, कि वो डेली कॉलेज या स्कूल जाएं और जो स्टडी करना चाहते हैं वो करें। इसलिए उन्होंने उनको इनफॉर्मल किसी एजुकेशन देने के लिए कुछ ओपन विद्यालय खोलने की मांग रखी थी, जिसमें स्टूडेंट को जो भी स्टडी करनी है उसका मटेरियल वहां से मिल जाए और उसका जो सारा प्लान है वहां से किया करवाया उसे मिल जाए, और आगे वो अपनी जब उसके एग्जाम का टाइम आए तो वो एग्जाम दे सके, वो अपनी सेल्फ स्टडी करके जो अपनी स्टडी वो करना चाहता है। तो यहाँ पे ओपन स्कूल्स खोलने की बहुत ज्यादा जो जरूरत थी, वो जो राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान था उसमें समझेगी फेस टू में बात पे खासा जोर दिया गया कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं सकते तो उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के जो थ्रू की एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो प्रदान की जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के लिए समान अवसर। शिक्षा के लिए समान अवसर, तो शिक्षा के लिए समान अवसर का मतलब था कि हर एक पर्सन को, हर एक बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। एजुकेशन जब भी बच्चा लेता है, जब भी बच्चा स्कूल में एडमिशन करवाया एजुकेशन लेने के लिए, तो उसमें हर एक बच्चे को समानता का अवसर मिलना चाहिए, वो चाहे प्रवेश को लेकर हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल को लेकर हो, चाहे अन्य कोई भी जो सुविधा स्कूल से मिल रही है वो सभी बच्चों को समान रूप से मिले। इसमें हम किसी भी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अक्सर जो प्राचीन समय में ये देखा जाता था कि जो एजुकेशन थी वो किसी विशेष वर्ग के लिए मानी जाती थी, कि एक विशेष वर्ग को एजुकेट किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो बदलाव हुए, जो विकास हुआ, उसमें एजुकेशन के लिए समानता का अवसर दे दिया गया। वहां हम किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते थे। अगर एक अमीर घर के बच्चे को जो फैसिलिटी मिल रही है स्कूल से, वही फैसिलिटी जो एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित बच्चा है उसको भी वो फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो भाषा आती है तो बच्चा उसी भाषा में अपनी बात रखता है, तो उस भाषा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे को जो कम्युनिकेशन करने का साधन है उसकी भाषा पे कोई टिक्का टिप्पणी ना की जाए। तो जो एजुकेशन की जो इंस्ट्रक्शन देने की भाषा है, जो मीडियम है, वो एक कॉमन होना चाहिए जो हर एक की समझ में आना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सभी जो प्रवेश जो संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश की जो स्वतंत्रता है, कोई भी भाषा बोलने वाला जो बच्चा है वो किसी भी संस्था में अपना एडमिशन है वो ले सकता है। आगे हम बात करते हैं जो भौतिक सुविधाएं होती है वो प्रदान करना, विद्यालय में भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, या फिर विद्यालय में उचित सुविधाएं प्रदान करना। उचित सुविधाएं का क्या मतलब हो गया कि जो विद्यालय है उसकी जो बिल्डिंग है, उसका भवन है वो प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर जो एक भवन है, एक बिल्डिंग है वो दी जानी चाहिए। बिल्डिंग में जो फर्नीचर की जरूरत होती है, चाहे वो कुर्सी, चाहे मेज, चाहे बेंच, कुछ भी अलमीरा, किसी भी चीज की फर्नीचर की जरूरत है वो भी प्रॉपर जो होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि जो लाइट, जो स्वच्छ पानी या फिर जो शौचालय होते हैं वो सबकी जो व्यवस्था है वो प्रॉपर उसमें करनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसकी खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड की बात।
हर एक विद्यालय में जो एक खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें बात होती है ऐसे एजुकेशन जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, जो सर्वांगीण विकास करे। तो सर्वांगीण विकास में बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो भी शामिल होता है, इसलिए बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वहां पे उसको खेलने के लिए समय भी चाहिए और खेलने के लिए जगह भी चाहिए। तो उसको फिजिकल जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो भी वहाँ पे करवाई जाए, वहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए उसको खेल एंड का मैदान है जो बच्चों को वो भी प्रोवाइड किए जाने की बात जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो फेज टू था उसमें खास तौर पे कही गई। आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरी की, पुस्तकालय। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में इस बात पर जोर दिया गया कि स्कूल में जो पुस्तकालय है वो उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अध्ययन में पुस्तकालयों का बहुत ज्यादा महत्व है। पुस्तकालय सेल्फ स्टडी में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं, बच्चा अपनी पसंद की पुस्तकें वो अपनी आराम से वहां पे बैठकर वो पढ़ सकते हैं। इसमें नैतिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करें 25,000 रुपए आर्थिक सहायता देकर पुस्तकालयों को आर्थिक जो बनाया गया था, तो उसी को आगे इम्प्लीमेंट करने की बात जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला था उसमें खास तौर पे कहेगी। आगे हम बात करते हैं प्रति वर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण, प्रति वर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण, मतलब हर साल में जो 5 दिन की ट्रेनिंग है वो बहुत जरूरी है, 5 दिन की ट्रेनिंग दी जानी। तो RMSA के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक, प्राध्यापक या फिर प्रिंसिपल या फिर और भी स्टाफ है जो स्कूल का स्टाफ है, तो उसको प्रतिवर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वो प्रशिक्षण एजुकेशन सिस्टम में यूज होने नई तकनीकें हैं जो और जो नई जानकारी देकर अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए जागरूक किया जा सकता है, जिससे वे विद्यालय कार्यालयों में नए उत्साह नई उमंग के साथ कार्य कर सके। और प्रत्येक अध्यापक को 200 रुपए प्रतिदिन प्रशिक्षण के समय में दिए जाने चाहिए। ये बात उठाई थी जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फेज टू बना था उसका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फेज टू बना था उसका मेन मोटिव था सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राष्ट्र में जो एक ही योजना बनाई जाए सब जगह। जो अगर हम सिलेबस की बात करें वो भी कॉमन होना चाहिए। अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का करते हैं तो हर जगह अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाना है, ये चीज होनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और अध्यापक और बच्चों का जो अनुपात है वो भी बराबर रखा जाए। इसमें पूरे राष्ट्र में एक ही तरह की जो योजना बनाई जाने की बात कही थी, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो समानता है, जो इक्वालिटी है वो बनी रहे। इसका मेन रीजन ये भी था कि अगर बच्चा किसी कारणवश एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है या फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ना चाहता है, तो उसकी जो स्टडी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसका जब सेम जो योजना होगी या सेम स्ट्रक्चर होगा उसके पैटर्न का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार हर जो शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसकी समानता के लिए एक जैसी योजना लागू करने की बात कही थी, पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त होने की बात कही RMSA ने। और देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित होना चाहिए, अगर हम अपने नागरिकों का विकास करेंगे तभी हमारे जो देश का विकास है वो संभव हो सकता है। तो ये सारी थी बातें वो फेज टू में कही गई थी। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ फेज टू भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बातें सारी थी जो ये फेज टू में कही गई थी, फेज टू की बातें जो सारी चीजें फेज टू में बताई गई थी। अब हम आगे बात करेंगे फेज थ्री की, कि फेज थ्री क्यों बनाया गया था, कौन कौन से जो कार्य थे वो फेज थ्री में किए गए थे। RMSA फेज थ्री, जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव भी ये था कि
हर एक बच्चे तक जो शिक्षा है उसकी पहुंच की जाए, हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रदान की जाए। तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प की जो यूनिवर्सलाइजेशन हम एजुकेशन में चाहते थे वो प्राप्त करने में। उसके बाद फेज टू और फेज थ्री के साथ उन्हीं जो हमने उद्देश्य लिखे थे, उद्देश्य प्राप्त करने थे, उसको और जो आगे बढ़ाने के लिए बात की थी फेज टू और फेज थ्री। तो पहले फेज टू की बात की थी, क्या जरूरत थी फेज टू की, अब हम बात करते हैं फेज थ्री की, कि फेज थ्री की जो जरूरत थी वो क्यों थी। सर्व शिक्षा के दूसरे चरण से प्रभावित होकर तीसरे चरण का जो विकास था या फिर योजना थी वो बनाई गई। तीसरे चरण का जो अभियान था वो अधिक विकासशाली और पिछड़े राज्यों से प्रारंभ किया गया। उसमें एक तो विकसित राज्य थे और दूसरे अविकसित जो राज्य थे, उन दोनों को काउंट करके उसी हिसाब से उन दोनों में जो सर्व शिक्षा अभियान था वो लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में कुल 652.70 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। योजना बोर्ड की अनुमति के अनुसार 2009-10 के अनुसार मुख्य ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर दिया गया। कौन कौन से बिंदुओं पर वो ध्यान था जो दिया गया? सबसे पहले विद्यालयों में जो 9th और 10th थी वो दो सेक्शन थे, अगर उसके लिए वो चार चार कमरे बनाने का वहां पे प्रावधान किया गया था। और उसमें जो एक एक सेक्शन के लिए 2-2 लाख और 2-2 सेक्शन के लिए 4-4 लाख का जो अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। जो विद्यालय 8th से दर्जा बढ़ाकर 10वीं तक अपग्रेड कर दिए गए हैं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए कमरे बनाने का जो प्रावधान था वो किया गया। आगे हम बात करेंगे, ये तो बात थी कि जो सेक्शन वाइज उन्होंने कितने कमरे बनाने की बात की गई थी। जो 9th और 10th की क्लासेस थी उसके 2-2 सेक्शन थे, तो उसके 4 कमरे वहां पे बनाने की बात की गई, ताकि अलग अलग सेक्शन के बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पे बैठकर आराम से पढ़ सके। आगे हम बात करते हैं नए विद्यालय की अगर हम बात करें, तो नए विद्यालय में नए जो अध्यापकों की नियुक्ति थी उसकी समस्या होती थी। योजना बोर्ड ने नई नियुक्ति के लिए कहा है कि ताकि जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाई जा सके, तो इसमें 6-7 राज्य लिए थे जो पिछड़े थे या फिर जो अविकसित थे या शिक्षा के मामले में विकसित थे, और उनको सफल बनाने के लिए जो उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। हम बात करते हैं कौन कौन से जो राज्य थे वो वहां पे लिए गए थे। वहां पे जो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य थे। ये भी क्या था? तमिलनाडु भी क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य था। पंजाब भी था, वो एजुकेशन के मामले में क्या हम इसको कह सकते हैं कि वो विकसित राज्य था, शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य थी। विकसित राज्य तीन तो उन्होंने विकसित राज्य लिए थे जो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य थे। तीन उन्होंने जो लिए थे वो अविकसित राज्य थे, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये क्या थे? ये अविकसित राज्य थे शिक्षा के क्षेत्र में, अविकसित राज्य थे। और एक उन्होंने उत्तर प्रदेश लिया था, जो 7वां राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में क्या था? पिछड़ा राज्य था। तो इस प्रकार उन्होंने 7 राज्यों का सर्वे किया, केरल, तमिलनाडु, पंजाब जो विकसित थे, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो अविकसित थे, और उत्तर प्रदेश जो हम कह सकते हैं कि एक पिछड़े राज्य था एजुकेशन के क्षेत्र में। इस अभियान को सफल बनाने के लिए उन्होंने जो सुझाव के विषय थे, जो किस किस विषय पे उन्होंने जो सुझाव दिया था, सबसे पहले उन्होंने बात करी थी करिकुलम रिफॉर्म की, कि हमें पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात कही थी उन्होंने विद्यालय व्यवस्था में, स्कूल गवर्नेंस रिफॉर्म, उसमें हमने सुधार करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था एग्जामिनेशन रिफॉर्म, की जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें हमें जो व्यवस्था है कि वो उसमें सुधार करना है। चौथा उसने कहा था जो
जो क्लासरूम है उसमें ट्रांजेक्शन और कक्षा में जो सुधारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने ये चार क्राइटेरिया दिए थे। सबसे पहले उन्होंने करिकुलम का कहा था, दूसरी उन्होंने कहा था स्कूल गवर्नेंस के बारे में, तीसरा कहा था उन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में, चौथा कहा था उन्होंने क्लासरूम के बारे में कि अगर हम इन चारों चीजों में सुधार ला सकते हैं तो हम जो हमारा एजुकेशन जो यूनिवर्सलाइजेशन करने का हमारा सपना है वो पूरा कर सकते हैं, और जो हम क्वालिटेटिव जो एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ जो दिशा निर्देश दिए कि हम इनको कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं या कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने जो की गई थी कि जो क्लासरूम का अगर सुधार करना है, जब स्कूल भवन का कहीं भी वहां पे उसको लिए जो कुछ अनुदान है फाइनेंशियली हेल्प वहां पे प्रदान की गई, और जो नए विद्यालय थे उन्होंने नए कमरे बनाने के लिए वहां पे फाइनेंशियल हेल्प की गई, जो सेवारत अध्यापकों के लिए शिक्षण की सुविधा दी गई ताकि प्रशिक्षण के उपरांत अध्यापकों के में नया उत्साह आए पढ़ाने के लिए, दूर दराज के क्षेत्र थे जो उन्हें वहां पे टीचर्स के लिए जो आवास थे वो वहां पे प्रदान किए गए उन्हें, तो बच्चों के 100% जो एनरोलमेंट थी 100% एनरोलमेंट पे वहां पे फोकस किया गया, ध्यान दिया गया। विद्यालय की जो व्यवस्था थी उस पर कुल जो राशि थी उसका 7.5% से अधिक खर्च ना किया जाए, बाकी का खर्च का जो वो एजुकेशन प्रणाली को सुधारने में किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो SSA के अंदर ही आता है, सर्व शिक्षा अभियान के इसका फेस 3 की हमने बात की। तो हमारा आज का जो टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।